कांड के पीड़ितों से मुलाकात करने के बाद कांग्रेस पार्टी ने प्रेस वार्ता की है। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता अवधेश सिंह ने कहा कि मौजूदा सरकार जातीय उन्माद में राज्य को झोंकना चाहती है। वहीं कांग्रेस नेता ने मांग की कि इस घटना में मृतक के पत्नी को सरकारी नौकरी के अलावे 20-20 लाख रुपए की मुआवजा भी दिया जाए और इस मामले में अवधेश सिंह ने राज्यपाल से भी मुलाकात करने की बात कही है। गोली लगी, गोली मारता है क्रिमिनल, भागता है, और ये गोली चलाने के बाद ये संख्या कितने थे? 35 से 40 की संख्या थी। दुश्मनी एक व्यक्ति से हो सकता है, 40 व्यक्ति से दुश्मनी नहीं हो सकता। ये नरसंहार जो हम चूंकि मगध से। मधुबनी हत्याकांड पर मंत्री नीरज सिंह बबलू ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार ने अपना काम किया है। विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगा रहा है जो कि बेबुनियाद है। सरकार अपना काम कर रही है। वहीं उन्होंने मधुबनी हत्याकांड में शामिल अन्य अपराधियों की भी जल्द गिरफ्तारी की बात कही है। बताते चलें कि होली के दिन अपराधियों ने घर में घुसकर 5 लोगों की हत्या कर दी थी, जिसके बाद से सूबे की सियासत में उबाल है। नहीं नहीं, एकदम मामला काफी गंभीर था, बड़ी घटना घटित थी। मेरे संज्ञान में आए तो मैं तुरंत वहां गया और अधिकारियों को निर्देश भी दिया कि अविलंब गिरफ्तारी करें, और गिरफ्तारी हुई है। सरकार का काम हुआ है और हम समझते हैं कि पुलिस प्रशासन के लोग जो आए हैं हरकत में और अविलंब गिरफ्तारी हुई है, तो इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसको तुरंत संज्ञान में लिए, तुरंत निर्देश गया, DGP को निर्देश गया, कई बार बताया गया, DPCM साहब भी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी, सबों ने इस घटना को पूरे